अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ, देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, और सभी तरफ से अपना अपना, ये ठीक है 2 बजे तक कुछ लोग वेल में थे, लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगी तो सब समझ गए कि भाई अब जरा वापस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं, और सदन ने निर्णय किया है, सम्माननीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, और आजाद साहब मैं आपकी याददाश्त को जरा ताजा कराना चाहता हूं, पुराने कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं है। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था, और जिस हालत में वो पारित किया गया था, और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी, और मैं समझता हूं कि उसको आज हमने याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ओवर द तेलंगाना इश्यू। अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, पूरे सम्मान के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ, और आज ये तीनों नए राज्य अपने अपने तरीके से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं।